मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा है कि स्वर्गीय बहुगुणा जी ने अपनी विलक्षण बौद्धिक प्रतिभा के बल पर भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रहते हुए अनेक योजनाएं शुरू करवाई और प्रदेश के हित के लिए कई कदम उठाए। थे और हिमालय जैसे उनके इरादे थे, उनको सब नमन करते हैं। में जिससे साथ हमले हो, उन्होंने एक जो अलग प्रकार का जो काम किया था, आज के समय में हम सब लोगों के एक प्रेरणा के कारण भी हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। उस मार्ग का हम लोग अनुकरण करेंगे और इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। और पासिंग आउट परेड में सोमवार को सीएम धामी ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही 278 जवानों को एसएसबी का हिस्सा बनने का गौरव हासिल हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षकों और उनके परिजनों को बधाई दी और कहा, ऐसे क्षण का साक्षी बनना सैनिक पुत्र के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि एसएसबी के कार्य क्षेत्र के आसपास मेरा बचपन बीता है और मैं इनकी सराहना करता हूँ। सीमा पर रहने वाले लोग भी प्रहरी की भूमिका निभाते हैं। संयोग से मुझे भी, क्योंकि जो एसएसबी का कार्यक्षेत्र है उसी कार्यक्षेत्र के आसपास मेरा बचपन बीता है और इस सशस्त्र सीमा बल के साथ में नजदीक से मैंने उसको देखा है, उनके साथ मिलकर काम किया है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, लेकिन संजय जी भी हैं यहाँ पर, कि जो सीमा पर जो रहने वाले लोग हैं, जो भारत की सीमाओं के आसपास जो हमारे देश के नागरिक हैं, मैं कहता हूं कि वो भी केवल देश के नागरिक नहीं, देश के नागरिक तो है ही, उसके साथ साथ वो आप सबके साथ, जैसे आप सीमा प्रहरी के रूप में काम करते हैं, वो सारे लोग भी प्रहरी के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। उन सबके साथ किस प्रकार का सामंजस्य हो, किस प्रकार का हमारा मेल मिलाप हो, किस प्रकार की हमारी आत्मीयता हो, अपने बल की सेवा के अतिरिक्त, हमारे कर्तव्यों के अतिरिक्त, अगर हम इस ओर भी, क्योंकि हमारे सारे नौ प्रशिक्षु विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जाकर अपनी सेवा देने का काम करेंगे। जैसे कि लोग सुनते आ रहे हैं देश के लिए लोग सेवा करते हैं, तो फिर ऐसे मन में एक अनुभूति से जाने लगी कि हम भी लोग थोड़ा सा मतलब करें सेवा देश के लिए। तो फिर जब पता चला ऐसा, तो फिर हम लोग भी इसके लाइन में मतलब तैयारी के लिए चल दिए इसकी देश की सेवा के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां वो लक्सर पहुंचे और सुल्तानपुर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता के बड़े भाई की त्रयोदश संस्कार में शामिल हुए और शोकाकुल परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दिया। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को संजय गुप्ता के बड़े भाई अनिल गुप्ता का देहांत हो गया था। बीते कुछ दिनों से मीडिया में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पीसीसी के पूर्व चेयरमैन प्रीतम सिंह के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने की खबरें खूब सुर्खियां बटोर रही थी, लेकिन आज उन सभी अटकलों और कयासों पर खुद प्रीतम सिंह ने विराम लगा दिया है। बता दें कि प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता कर मीडिया से बातचीत में कहा है कि अखबारों और न्यूज पोर्टल पर मेरे कांग्रेस से इस्तीफा दिए जाने की खबर सरासर झूठ है। साथ ही प्रीतम सिंह ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन पोर्टल्स पे मेरे कांग्रेस से इस्तीफा दिए जाने की खबरें चलाई गई, उन्हीं पोर्टल्स पर प्रीतम जल्द ही मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। ये हमारा भाग्य है, 2016 में सतपाल महाराज जी ने, उसके बाद विजय बहुगुणा जी ने, हरक सिंह जी ने और तमाम हमारे सुबोधनयाल जी, तमाम हमारे साथियों ने कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण वह फैसला था और उसकी क्षति हमको जो है 2017 के चुनाव में भुगतनी पड़ी, हम 11 पर आकर के रह गए। और उसके बाद किशोर उपाध्याय जी गए, ये भी हमारी बहुत बड़ी क्षति है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं इतनी आसानी से जाने वाला जाती रही, ये प्रयास किया जाता रहा कि हम क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने का काम करें। लेकिन मैंने कहा ना, मैंने 2002 का जिक्र किया, तो कभी आपने
कहीं आवाज इसके विरोध में सुनते देखी। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चीन सीमा पर सड़कों का निर्माण होने जा रहा है, इसके लिए बीआरओ के एक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि एक प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए निदेशालय भेजा गया है, जिसमें दोनों प्रोजेक्ट्स के तहत सीमा पर 30 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण किया जाना है। भारत चीन सीमा पर सुविधाओं के विकास के लिए सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत बीआरओ ने दो प्रस्ताव तैयार किए थे, जिनमें से एक प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है और इस प्रस्ताव के तहत सीमा पर करीब 150 करोड़ की लागत से 16 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है। उक्त सड़क का निर्माण कार्य मई से शुरू किया जाएगा और आपको बता दें सड़क निर्माण कार्य 3 वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं बीआरओ ने सीमा पर सड़क निर्माण का दूसरा प्रस्ताव भी भेजा है, जिसके तहत करीब 17 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जाना है। प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी और लगभग 15 घंटे के रोजे वाले दिनों में कम से कम हफ्ते भर और बिजली संकट झेलना पड़ेगा। रविवार को हरिद्वार के सिडकुल में लगभग 4 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 6 से 7 घंटे और उधम सिंह नगर में हर रोज 3 से 5 घंटे बिजली कटौती हो रही है। बता दें औद्योगिक उत्पादन पर भारी असर पड़ रहा है। खुद UPCL ने भी स्वीकार किया है कि वो एक हफ्ते में कटौती को नियंत्रण में लाएगा। मुख्यमंत्री के सख्त के बाद UPCL ने 36 मेगावाट बिजली का इंतजाम किया, लेकिन यह प्रदेश की मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए नाकाफी है। प्रदेश को इस वक्त 100 मेगावाट बिजली की जरूरत है। प्रदेश में चल रही बिजली किल्लत के बीच उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने चार धाम यात्रा में निर्बाध विद्युत आपूर्ति का दावा किया है, जिसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है और कोरोना महामारी के बाद इस साल चार धाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने की संभावना है। सरकार के स्तर से इसकी तैयारी की जा रही है और पिछले दिनों विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी चार धाम में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा था। UPCL के MD अनिल कुमार ने बताया कि चार धाम यात्रा में 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी, इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। संबंधित क्षेत्र के सभी अधिकारियों को अलर्ट किया गया है और जहां भी कमियां हैं वो दूर की जा रही हैं। और वहीं चारधाम यात्रा में आने वाले CNG वाहन संचालकों को परेशानी हो सकती है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इस बात पर चिंता जताई है कि पूरे गढ़वाल मंडल में अभी तक केवल 7 CNG पंप ही हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आदेश सैनी सम्राट ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई से राहत देने के लिए गाड़ियों में CNG किट की गाड़ियां तो सरकार ने लॉन्च कर दी हैं, लेकिन इसके पंप बेहद कम है। साथ ही उन्होंने कहा कि गढ़वाल मंडल में CNG के पंप 1 रुड़की, 1 ज्वालापुर, 1 डोईवाला, 2 देहरादून और 2 ऋषिकेश में है। मई में उत्तराखंड में ओमिक्रॉन के वेरिएंट XE के मामले तेजी से सामने आ सकते हैं। XE वेरिएंट के संक्रमण की दर ओमिक्रॉन से दोगुनी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश ने जून से जुलाई के बीच संक्रमण के चरम काल में पहुंचने की आशंका जताई है। एम्स ऋषिकेश के सोशल आउटरीच सेल ने नोडल अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया है कि ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट XE भी अब देश में दस्तक दे चुका है। ये ओमिक्रॉन का सबम्यूटेंट है और यही कारण है कि इसकी संक्रमण दर ओमिक्रॉन से भी दोगुनी है। उत्तरकाशी में लोकसभा सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई, जिसमें सांसद ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की है। साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी अधिकारी आपसी तालमेल बनाकर काम करें। और वहीं इस बैठक में जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने सांसद को आश्वस्त किया है कि बैठक में समिति के सदस्यों ने जो समस्याएं बताई हैं उनका जल्द ही समाधान होगा। चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है, ये बात जरूर है। सबको जो आ रहे हैं चार धाम यात्रा में, उन लोगों को वेलकम करना चाहती हूँ हम सब की तरफ से। और उसके लिए विशेष हमने बोले हैं कि हम सब जो हम सब सभी मिलकर के चार धाम यात्रा के लिए जो आते हैं उनके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस जो भी काम हो वहाँ होना चाहिए, क्योंकि
जो आ रहे हैं दो साल के बाद, जो मेन प्रॉब्लम ऐसा है पीएम जेएसवाई का होता है, उसी के लिए ज़्यादातर समय हमने उन लोगों को दिया और बोला कि जो सड़के का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए जिस तरह से भी हो, क्योंकि बहुत साल से यही प्रॉब्लम और डिपार्टमेंट इसी का प्रॉब्लम है और इसको हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा, हम अधिकारी लोगों को बोला है। और आज हमारे नए डीएम साहब आए हैं, नए विधायक लोग भी हैं, सभी आए हैं पैनल मीटिंग में, तो सभी को हमने शुभकामनाएं दी और मीटिंग अच्छी तरह से चले, काफ़ी लंबा मीटिंग था और हम लोग सब मिलकर आगे भी अच्छी तरह से काम करेंगे, यही और सबको शुभकामना। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने कार्यभार संभालते हुए सबसे पहले जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने जिला चिकित्सालय में ओपीडी कक्ष, औषधि वितरण कक्ष, औषधि भंडार, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू रूम, जनरल वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट आदि का निरीक्षण कर चिकित्सालय के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मरीजों का हालचाल भी जाना है। आज जिला अस्पताल उत्तरकाशी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आपातकाल में और जो हमारी स्लिप्स बनती हैं उनमें कर्मचारी पाए गए, डॉक्टर्स भी अपने राउंड पे थे। मेरे द्वारा उनको निर्देशित किया गया कि आगामी यात्रा को देखते हुए दवाई आदि की आपूर्ति समय पे कर ली जाए और जो भी व्यवस्थाओं में को सुदृढ़ करने की तत्काल आवश्यकता है उस विषय में हम आगे भी एक बैठक करेंगे। वहीं विधायक महेश जीना ने सल्ट पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया और बीजेपी महिला मोर्चा ने विधायक का तिलक लगाकर स्वागत किया है। साथ ही शहीद चूड़ामणी राजकीय इंटर कॉलेज में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नरेंद्र भंडारी ने महेश जीना को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। विधायक जी ने आज स्वागत समारोह में हमने काफ़ी अच्छा अभिनंदन किया उनका। इसी के उपरांत आज माननीय विधायक जी ने क्षेत्र के लिए हमने जो स्वागत समारोह रखा था, पहले तो उन्होंने ये कहा हमारा स्वागत समारोह नहीं है, अब मेरे पे जिम्मेदारी बढ़ गई है और जिम्मेदारी बढ़ने के उपरांत हमें सल्ट क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी, जैसे स्टेडियम हो गए और हॉकी के हो गए, हर खेल के क्षेत्र में माननीय विधायक जी ने काफ़ी आश्वासन भी दिया और कहा कि हम तो मतलब जो बात हम कहेंगे वही करेंगे भी और कथनी और करने में कदा भी अंदर नहीं होगा हमारा। सल्ट में ये 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत जो है भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है, तो कार्यकर्ताओं का बहुत लंबे समय से ये मन था कि हम जो है विधायक जी का एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित करें, तो आज सब लोगों के आशीर्वाद से जो है प्रयास से ये सम्मान समारोह जो है आयोजित हुआ और विधायक जी ने इन 5 सालों में कि हम इस विधानसभा को पर्यटन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कहाँ ले जाना चाहते हैं वो ब्लूप्रिंट आज विधायक जी ने यहाँ पर तैयार किया। कोविड-19 के दौरान सेवाएं दे चुके अलग अलग अस्पतालों में आउटसोर्स कर्मचारियों ने परेड ग्राउंड में सीएम आवास का कूच किया, लेकिन इन सभी आउटसोर्स कर्मियों को हाथी बड़कला में रोक दिया गया। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। आपको बता दें कि आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग है कि कोरोना काल के दौरान उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा देने का काम किया, लेकिन सरकार ने उनको हटा दिया। साथ ही उनकी मांग है कि उनका नियमितीकरण किया जाए और फिर से उन्हें जॉब पर रखा जाए। मंत्री जी सबने हमें आश्वासन पे आश्वासन दिया है और कोरोना जो वॉरियर है उन सभी को इस सड़क पे, आप देखिए सड़क पे आ गए हम सभी लोग और हमारी, हमें जो मतलब 3 साल से हम नौकरी कर रहे थे हम सभी को कार्यमुक्त कर दिया गया है, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो कुछ मांगे उन्हें पूरा किया जाए और हमारा नियमितीकरण किया जाए, हमारी जो नौकरी हमें वापस दी जाए। सर हम पिछले 1 महीने से हम सभी प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर एक तरीके से कार्य बहिष्कार करके बैठे हुए थे और सब हमारा सर सब का वाहन टूट चुका है सर। हम गवर्नमेंट से बहुत आस लगाए हुए थे, लगभग 25-26 दिन तक हमने गवर्नमेंट को बहुत टाइम दिया सर, अब हमारा सब का वाहन टूट गया है। इससे पहले 3 दिन पहले हमने सचिवालय कूच किया था, उसमें हमने सिटी मजिस्ट्रेट के थ्रू हमने ये स्वास्थ्य सचिव को ज्ञापन दिया था अपनी मांगों को लेकर कि हम जितने भी पूरे प्रदेश में 2186 जो कि कोविड के दौरान लगे हुए आउटसोर्स कर्मचारी हैं
उन सभी को हमने ये मांग रखी थी कि उन सभी को नियमित कर दिया जाए। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी एक्शन मोड में है। जिलाधिकारी वंदना लगातार सरकार की चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कराए गए विकास कार्यों का निरीक्षण कर रही हैं और इसी कड़ी में वो लमगढ़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पहुंची और वहां चल रहे कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत की, साथ ही शिक्षकों को निर्देश दिए बच्चों का पूरा ध्यान दिया जाए। शिक्षा विभाग के विभिन्न विद्यालय इस मार्ग में जो पढ़ते हैं, ज़्यादातर विद्यालयों में रूपांतरण के अंतर्गत अच्छा कार्य किया गया है। आगे क्योंकि बच्चों का पठन पाठन 2 साल तक कोविड की वजह से प्रभावित रहा, तो काफ़ी गैप आ गए हैं शिक्षा की गुणवत्ता में, उसी के सुधारीकरण के लिए निर्देशित किया है। थैंक यू। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा मसूरी मॉल रोड का सौंदर्यीकरण किया जाना है और इसी को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के वीसी ब्रजेश कुमार संत ने मसूरी का दौरा किया और अमाल रोड सहित आसपास के क्षेत्रों की जानकारी ली। इस मौके पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारी, सचिव और अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बेसिक प्लान यह है कि मसूरी एक बहुत पुराना शहर है और हमारी धरोहर है, ना ही प्रदेश की पूरे देश की धरोहर है। इसमें जहाँ जहाँ इसको जहाँ इसमें दिखाई दे रही हैं कुछ कमियाँ हैं या पैचेस हैं या कोई चीज़ें हैं, तो उनके रिस्टोर करने की बात है, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं और इसको और थोड़ा स्पेसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे थोड़ा खुला खुला दिखे और पब्लिक फैसिलिटीज़ जितनी हम दे सकते हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मुझे लगा कि थोड़े वॉशरूम्स और होने चाहिए, खासकर वुमेन वॉशरूम या लेडीज़ टॉयलेट ज़रूर होने चाहिए, उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं कि हर 500 मीटर पे कोशिश कर रहे हैं कि वो सुनिश्चित हो कि वो हो जाए। थोड़ी ग्रीनरी और बढ़े, थोड़ा जहाँ गंदगी दिखाई देती है जैसे टूटे हुए डस्टबिन हैं, ट्री गार्ड्स हैं, बेंचेज हैं, पोल्स हैं, इन सबको जितना हम स्पेस दे सकते हैं, जितना हम बढ़िया बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, उस तरफ प्रयास है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खानपुर से चुने गए निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा को एकल पीठ ने उमेश शर्मा को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 4 सप्ताह बाद तारीख तय की है। उमेश शर्मा ने अपने इलेक्शन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें जो कि न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध थीं जिनको किया था, जिसमें कि उमेश शर्मा ने अपने विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ 30 मामलों को संज्ञान में लिया था उसके द्वारा दायर किए गए ट्रांसफ़र पिटीशन में। उमेश शर्मा ने उन सभी चीज़ों का संदर्भ इलेक्शन पिटीशन में इलेक्शन के सामने अपना नॉमिनेशन फाइल करते समय प्रारूप 26 के अंतर्गत नहीं दिया था, सिर्फ 13 ही मुकदमों का संदर्भ दिया था। प्लस उमेश शर्मा ने अपने इलेक्शन के जो रूल्स रेगुलेशंस थे जिसके तहत उमेश शर्मा को अपने इलेक्शन से पहले अपने खिलाफ जितने भी क्रिमिनल केसेस थे उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी और उसको अखबारों में निकालना था, न्यूज़पेपर्स में लाने के अलावा टेलीविज़न मीडिया में देना था, 3 बार अलग अलग समय पर और ट्विटर्स पे या सोशल मीडिया पे हाईलाइट करना था, वेबसाइट पे डालना था, ये सारी चीज़ें नहीं किया। उत्तराखंड में लगातार वीकेंड पर पर्यटकों का जमावड़ा लगता है जिसमें जाम की समस्या बन जाती है। इसी समस्या को देखते हुए उत्तराखंड अभिभावक संघर्ष महासंघ के संयोजक रवि कुमार जैन ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने वीकेंड पर लगने वाले जाम से स्कूली बच्चों की परेशानी की बात कही और विद्यालयों को बंद रखने के आदेश भी जारी करने की मांग की है, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मंत्री ने बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वीकेंड पर लगने वाले जाम से स्कूली बच्चों को निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी को चारधाम यात्रा संचालित होने तक शनिवार को स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए। आने वाले समय में जो स्थिति मैं महसूस कर रहा हूँ अपने तीर्थनगरी ऋषिकेश की, चारधाम यात्रा प्रारंभ होनी है और वीकेंड पे तो एक हालत ये हो जाती है हमारे इस क्षेत्र में कि तमाम जो पर्यटक हैं हमारे तीर्थनगरी की तरफ आकर्षित होते हैं और उससे यहाँ पे जो यातायात व्यवस्था है उसमें बहुत इजाफा भी होता है, दिक्कतें भी लोगों को आती हैं और महसूस ये भी किया गया कि जो स्कूल की बसें हैं जो छोटे बच्चे हैं वो यदि उस भीड़ में या जाम शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें फंसते हैं तो अपने गंतव्य स्थल तक 2-3 घंटे बाद पहुँचते हैं या 2.5 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद पहुँचते हैं।
तो बच्चे के साथ समस्या तो ही है। तो अभी मेरे को यहाँ अपने अभिभावक महासंघ के लोग मिले, उनके आधार पर मैंने DM देहरादून से बात की है और उनसे कहा है कि कम से कम जब तक ये चारधाम यात्रा चल रही है और विशेषकर मई जून तक, इसमें इस तरह के निर्णय लें ताकि सैटरडे को यदि छुट्टी हो जाती है तो बच्चों को उससे परेशानी से निजात मिलेगी। और आज ही मैंने उसको कहा है कि DM को कहा है तुरंत उस पर निर्णय लें ताकि आने वाले समय पर, जैसे आज सैटरडे अगले सैटरडे हो, इस बात को इम्प्लीमेंट करें। दिनेशपुर में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2022 के तहत नगर पंचायत प्रशासन की ओर से नगर के विभिन्न वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पर्यावरण मित्रों ने वार्ड नंबर 4 में सफाई अभियान चलाया और इस दौरान वार्ड की गलियों में सड़कों के किनारे उगे घास झाड़ियों की सफाई की, साथ ही नालियों कीटनाशकों का छिड़काव भी किया। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत सफाई की गई है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, दिनेशपुर से ये तस्वीरें हैं। तो अभियान के तहत ये सफाई की गई है। देखिए, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में। तो इसी के तहत हमें 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक उसे सफाई अभियान चलाना है, जिसके तहत सड़कों के किनारे, नदी, तालाब, इसके अलावा नालियों की पूरी तरी झाड़ सफाई, इसके तहत मतलब पूरा स्वच्छता स्वच्छ करना है पूरे शहर को। इसमें हमने अलग अलग आयामों के तहत लोगों को भी जागरूक करना है, तो इस तहत से हमारे यहाँ पे नगर पंचायत में भी बर्थडे वाइडे ये सब यहाँ सफाई अभियान चल रहा है, जिसके तहत हम लोग सड़क, तालाब, नदी, नाले जो भी हमारे सीमा के अंतर्गत आते हैं उनकी हम विशेष रूप से सफाई अभियान सफाई कर रहे हैं। टिहरी के नरेंद्र नगर विकासखंड के राजकीय महाविद्यालय पोखरी में 2 दिनों तक चली वार्षिक खेल प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया। खेलों का उद्घाटन नरेंद्र नगर मंडी समिति के अध्यक्ष वीर सिंह रावत ने किया था और समापन खाड़ी महाविद्यालय के प्राचार्य AK सिंह ने किया। बालिका वर्ग में रितु ने 100-200 और लंबी कूद में पहला स्थान प्राप्त किया। आपको बता दें चैंपियनशिप जीती है उन्होंने, जबकि बालक वर्ग में विवेक सजवाड़ ने ऊंची कूद, 100 और 200 मीटर दौड़ में पहला स्थान प्राप्त कर चैंपियनशिप जीती है। फील्ड की भी अभाव है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है अच्छा प्रदर्शन ये हमारे छात्र छात्राएं कर रहे हैं और जो अब यहाँ पर विद्यालय परिवार की जो टीम है, हमारे शिक्षक हैं, हमारे कर्मचारी हैं, वो बराबर यहाँ पर अच्छा सहयोग कर रहे हैं और छात्र छात्राओं को जो उनसे जो सुविधाएं जो उनसे जो यहाँ पर वो उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं और हमारे छात्र छात्राएं पूरी तरह से यहाँ पर तैयारियाँ कर रहे हैं और बड़ा अच्छा हमारे महाविद्यालय पोखरी में जो है ये क्रीड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है। इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं से जो स्थानीय प्रतिभाएं हैं उनको बाहर आने का मौका मिलता है, उनको इस कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी या अन्य जगहों पर भी जो यहाँ के अच्छे बच्चे हैं जिनका टाइमिंग और जिनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है उनको महाविद्यालय बाहर भेजने का भी काम करता है। तो मैं एक बार फिर से समस्त महाविद्यालय परिवार को वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने हेतु अपना शुभकामनाएं देता हूं और बहुत-बहुत बधाई देता हूं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।